हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा यानी कि सेवइयों की खीर। इस खीर में मैंने खीर बनाते समय जो ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ की जाती है वो यूज़ की है, जिस वजह से इस खीर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। खीर बनाते समय सबसे पहली प्रोसेस जो हम करेंगे वो है बादाम और अखरोट के छिलके निकालना। छिलके निकालने से ड्राई फ्रूट्स नरम हो जाते हैं और काटने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने बादाम और अखरोट को उबले हुए पानी में 1 घंटे तक ढककर रख दिया है। 1 घंटे के बाद बाउल से सारा पानी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस करने से ड्राई फ्रूट्स के छिलके जल्दी से निकल जाते हैं। इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स के छिलके निकाल देंगे। छिलके निकालने के बाद आपके ड्राई फ्रूट्स ऐसे दिखेंगे। इस तरह से हमें बादाम के छोटे टुकड़े करने हैं। अखरोट की भी ज़्यादा बड़े टुकड़े ना रखें। अगर अखरोट का साइज ज़्यादा है तो उसे भी कट कर दें। खीर के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम एक पाउडर बनाएंगे। मिक्सर में हम 3 टेबलस्पून चीनी, 3 छोटी इलायची, आधा जाफल और आधा टेबलस्पून खसखस ऐड करके अच्छे से पीस लेंगे। सारी सामग्री को हम एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। हर एक सामग्री अच्छे से मिक्स होनी चाहिए और पीसी जानी चाहिए। इस तरह से इसकी फाइन पाउडर बनाएं। अब हम एक पैन स्टोव पे रखेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी या वनस्पति डाल के मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे। घी गरम होने के बाद गैस की फ्लेम कम कर दे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स ना जलें। सबसे पहले हम बादाम और अखरोट डालेंगे। हर एक ड्राई फ्रूट्स को हम एक के बाद एक ऐसे ही फ्राई करेंगे। हम सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ नहीं फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। बाहर निकालते समय सारा घी अच्छे से निकाल लें और इसे एक प्लेट में डालें। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई फ्रूट्स में अभी भी घी बाकी है तो इन्हें आप एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। उसके बाद सेम प्रोसीजर से हम पिस्ता को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम काजू को घी में डालेंगे। हमें हर एक ड्राई फ्रूट को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं काजू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको भी ये फ्राई करना है। अब हम घी में खजूर ऐड करेंगे। खजूर को कच्चा ना रहने दे। खजूर फ्राई होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो आप गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा दें। आप देख सकते हैं खजूर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद चिरौंजी को फ्राई करेंगे। चिरौंजी आकार में छोटी होती है इसलिए जल्दी से जल जाती है, तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। खीर की सबसे इम्पॉर्टेंट सामग्री है सेवइयाँ। आपको 3 से 4 टेबलस्पून रोस्टेड सेवइयाँ लेनी है। अगर आपके पास रोस्टेड सेवइयाँ नहीं है तो भी चलेगा। अब हम सेवइयों को अच्छे से भून लेंगे। अगर आपकी सेवइयाँ रोस्टेड हैं तो आप फिर भी उसे घी में रोस्ट कर लें, इस वजह से फ्लेवर बढ़िया आता है। सबसे आखिर में हम किशमिश को फ्राई करेंगे। आखिर में इसलिए क्योंकि किशमिश के वजह से खीर फटने की संभावना होती है। जब तक किशमिश इस तरह से फूल नहीं जाते तब तक आप इसे फ्राई कर लें। इस प्रोसेस के बाद एक बर्तन को गैस पे रख देंगे और उसमें 1 लीटर दूध डालेंगे।
दूध में पानी बिल्कुल ना डालें और दूध को करछी से अच्छे से हिलाते रहिए। जैसे जैसे दूध को उबाल आने लगे उसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। दूध को अच्छे से हिलाते रहिए ताकि दूध का उबाल ना जाए। जब तक दूध को उबाल आने लगे तो गैस की फ्लेम पूरी तरह से कम कर दें। अब इसमें सेवैयाँ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। खीर को अच्छे से 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दें। खीर पकने के बाद सेवैयाँ अच्छे से फूल जाएंगी। इसी तरह से हमें खीर को लो फ्लेम पे हिलाते रहना है, तभी इसकी मावे जैसी टेस्ट आएगी और अच्छा सा फ्लेवर बढ़ेगा। आप देख सकते हैं दूध का रंग सफ़ेद से हल्का भूरा हो चुका है। अगर आपकी खीर में ऐसे छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपकी खीर तैयार हो चुकी है। खीर को हमें ऐसे ही करछी की मदद से हिलाते रहना है ताकि उबाल ना जाए। खीर अच्छे से पकने के बाद हम गैस को बंद करेंगे। और उसमें चीनी वाली पाउडर डालें। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून पाउडर ऐड की है। आप चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी वाली पाउडर डालने के बाद खीर में उस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा शीरखुरमा यानी कि खीर रेडी है। इसे आप गर्म या ठंडा करके खा सकते हैं। कुछ सीक्रेट सामग्री की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।